वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर फोर्थ के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, इनमें से कौन सा पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको पता है भाई, थिन शीट में सिर्फ मेटल कन्वर्ट की जा सकती है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है भाई, सल्फर भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी अपना नॉन मेटल है, मेटल कौन सी है, जिंक। तो क्या लिखेंगे, कौन सा आएगा इसमें, ऑप्शन ए जिंक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिकॉज, समझने के लिए, इट इज अ मेटल, क्योंकि क्या ये मेटल है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन में, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। All metals are ductile, सभी metal ductile होती हैं। All non-metal are ductile, सभी non-metal ductile। Ductile क्या होता है भाई, पतली तारों में convert किया जाता है खींचकर, वो ductility होती है। और malleability क्या होती है, पतली सीटों में, thin sheet में convert किया जाता है। तो क्या कह रहा है ये, All metals are ductile, सभी धातुएं ductile हैं, तारों में बदली जा सकती हैं। सेकंड कह रहा है All non-metal are ductile, सभी non-metal तारों में बदली जा सकती हैं। Generally metals are ductile, क्या होती हैं, आमतौर पे जो metal होती हैं वो ductile होती हैं। Some non-metals are ductile, ठीक है। तो इसमें देखो ऑल वर्ल्ड तो नहीं आ सकता ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, उसका रीजन ये है क्योंकि मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वो तारों में बदला नहीं जा सकता। तो ऑल तो नहीं आएगा, ये आएगा कि मेटल डक्टाइल है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, ब्रैकेट में लिखेंगे एच जी क्या होता है, मर्करी is liquid at room temperature पे क्या होता है, लिक्विड, cannot be ductile लिख दिया भाई, ductile नहीं है, समझ जाओगे भाई, पतली तारों में नहीं बदला जा सकता। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉस्फोरस इज अ वेरी ब्लैंक स्पेस नॉन मेटल, जो अपना फॉस्फोरस है वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, रिएक्टिव नॉन मेटल है भाई फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, है तो नॉन मेटल है, रिएक्टिव। सेकेंड है मेटल्स आर ब्लैंक स्पेस कंडक्टर ऑफ हीट एंड ब्लैंक स्पेस, पढ़ा था हमने, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। आप पता क्या करेंगे, ब्लैंक्स आंसर में भी लिखेंगे ये एज इट इज, और जहां पे ब्लैंक्स दिया हो वहां डॉट 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 लगी हुई है, इसके ऊपर लिखेंगे भाई इसको। तो मेटल्स आर यहाँ पे क्या आएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है आयरन इज ब्लैंक स्पेस रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। डी है हमारा मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, कल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, कौन सी गैस प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, गैस वहां लिखा ही हुआ है हाइड्रोजन। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया है, मार्क ट्वी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज इफ इट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट आपको लग रहा है ट्रू है तो टी लिखेंगे उसके लिए, फॉल्स लग रहा है तो एफ लिखेंगे। तो ए में क्या दिया है, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जनरली साधारणतः नॉन मेटल रिएक्ट करती है एसिड के साथ, नहीं करती भाई, फॉल्स, जनरली मेटल्स करती हैं। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, यस सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल। थर्ड है कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, नहीं भाई कॉपर डिस्प्लेस नहीं करता जिंक को जिंक सल्फेट में से, जिंक कर सकता है कॉपर को कॉपर सल्फेट में से, ये भी क्या है, फॉल्स। फोर्थ है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, कोयले को पतली तारों में बदला जा सकता है, नहीं भाई
फॉल्स। तो आज अपने क्वेश्चन हुए चार, आज के लिए आप इतना ही करेंगे। थैंक यू।